पूरे देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान को लेकर 30 मई की शाम चुनावी शोर थमने के बाद शुक्रवार को मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और अन्य सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव समेत अन्य पदाधिकारियों ने ईवीएम डिस्पैच सेंटर पहुंचकर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। वहीं मीडिया को बताया कि राजमहल लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। गुरुवार की अपेक्षा मौसम में आज बदलाव हुआ है, जिसके कारण मतदान कर्मियों को गर्मी से राहत मिली है। बताया कि 10,000 से अधिक मतदान कर्मी को लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में कुल 2020 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इसमें साहिबगंज जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,006 मतदान केंद्र हैं। इसमें साहिबगंज जिले के कुल 974 मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील बूथों की संख्या जिले में 687 है। इसमें से 14 बूथ ऐसे हैं जो कि अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर CRPF के जवान को तैनात किया गया है। इसके अलावा तीनों विधानसभा क्षेत्र में 90 माइक्रो ऑब्जर्वर, 143 सेक्टर स्टेट की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव हर हाल में शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और तैयार है। 1 जून को चुनाव के मद्देनजर आज सभी पोलिंग पार्टियों को यहां से रवाना किया जा रहा है। कुल मिलाकर के 974 बूथ इस जिले के तथा 191 बूथ सुंदर पहाड़ी और बोहरी जोर के मिला करके 1,006 बूथ पर हम लोगों को डिस्पैच कराया जाना है। अब तक स्थिति यह है कि हमारी सारी पोलिंग पार्टियों को सभी तरह के डिस्पैच सामग्रियां उपलब्ध करा दी गई है। सारी EVMs का उनको हस्तगत करवा दिया गया है और संभवतया लगभग 10 बजे तक हमारी सभी पोलिंग पार्टियाँ अपने अपने पोलिंग स्टेशन्स के लिए प्रस्थान कर देंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सारे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं वो अच्छे से अपने बूथ पर पहुंच करके कल की आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करवाएंगे। थैंक यू। वहीं मतदान कर्मियों ने बताया कि पूर्व की भांति इस बार जिला प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर बेहतर सुविधा प्रदान की गई है। कैसा अनुभव है? हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। ये व्यवस्था इस बार वोट के लिए बहुत अच्छा किया है सरकार की तरफ से। हम लोग सब टीम मिल गए हैं और सब तैयार हैं कल वोट देने के लिए। हम लोग अभी अपना मनिहारी उधवा में सेंटर पड़ा है और हमारे सबसे अपील करूंगा कि सब के सब हम लोग वोट करें। यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए। व्यवस्था तो सही ढंग से, सब सुचारू ढंग से चल रही है। अभी तक तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त लग रहे हैं। और कल क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? ये अपील करना चाहते हैं कि सभी 100% आवें और मतदान का उपयोग करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे देश का लोकतंत्र जो और मजबूत हो, सुदृढ़ हो। लेकिन विशेष करने का मतलब कि सब अपना मत का जो है अधिकार का अपना प्रयोग करें। सही ढंग से आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग बहुत मतदान कराए, लेकिन यहाँ व्यवस्था देख के काफ़ी मन प्रसन्न हो गया कि टोटल चीज़ टेबल पर मिल रहा है और सुविधा देख के बहुत हम लोग खुश हैं। और यहाँ का DC साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं जो अपना व्यवस्था करे हैं। बहुत अच्छा लगा, खाने पीने का नाश्ता वगैरह सब मिला हम लोग को, कोई तरह का परेशानी नहीं। और चाहेंगे कल आदमी शांतिपूर्ण में आके अपना मतदान दे और इस पर्व को लाभ उठाए देख के। थैंक यू। यहाँ का वितरण केंद्र जो है यहाँ अच्छा ही रहा। पहले जो नाश्ता नहीं मिलता था, अब नाश्ता हम लोग को सुबह में नाश्ता करा लिया गया है। और जो पहले लाइन लगा के लेना पड़ता जो मटेरियल था वो आप हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा अपना टेबल पर ही मिला, तो हम लोग बहुत खुश हैं और अभी खुशी से हम लोग अपने केंद्र की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। रात भर आप लोग मतदान केंद्र में रहेंगे और कल हम लोगों को वास्तविक पोल से 90 मिनट पहले मॉक पोल शुरू करना है। उसके बाद मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो 7 बजे से मतदान करने वाले हैं? उनसे अपील करेंगे कि वो शांतिपूर्वक मतदान करें और निष्पक्ष रूप से करें, वो हल्ला ना करे और सभी को
इंस्पायर का मतलब उस इस महापर्व में जुटने के लिए लोगों को भी बुलाए और सभी लोग अपना ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अटल भारत।